आज भारतीय जनता पार्टी के लोग भी स्तब्ध हैं कि जो शीर्ष नेतृत्व था बीजेपी का वो सारा कुरुक्षेत्र में आके इसको चोर 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 कह गया, ये भी इसको सिपाही कैसे बनाए। और भाई सांसद तो वो होता है जो जनता की आवाज को संसद में ठोक के बोले, जो खुद के डर के आया हुआ है तो जनता की आवाज को नहीं बोल सकता। तो फैसला आपने करना है। मैं तो आपको अपील करने आया हूं कि आपका भाई बनकर रहूंगा, आपका बेटा बनकर रहूंगा और संसद में आपकी आवाज उठाऊंगा। किसी का डर नहीं मैंने, मेरे को जेल में डाल दे कोई तकलीफ नहीं है। ये तकलीफ जिंदल को होगी, आम तो दाल रोटी खावा वो वहां भी मिले। मारे चार जने पहले जा रहे हैं, पांच हो जाएंगे, बाकी मोदी तो डराएंगे नहीं, बिल्कुल 1% भी नहीं डराएंगे। मैं पहले क्या करता कि भाई यू केजरीवाल ने बंद करेगा और मन ने भी कर सके, केजरीवाल तो कर दिया, हो सकता है मेरे को नॉमिनेशन जेल से भरना पड़े। क्यों? मेरे मुकाबले मैंने कैंडिडेट तो आ नहीं पाया था, फिर जिंदल ने लाए इंपोर्ट करके, एक जिंदल भी फैल हो रहा है, शुक्र से बीजेपी वाले बोलने लगे फैल भाई। तो जब आदमी अपने आप को हारता हुआ देखता है तो बौखलाहट में कुछ भी करता है। आज पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी हार रही है, इसलिए वो बौखलाहट में। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।